कहानी की शुरुआत होती है वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर नाम की एक जेल से, जहां गोरेंग नाम के एक आदमी की आंख खुली और उसने देखा कि वो 48 नंबर कमरे में कैद था। वहां एक बिस्तर और सिंक के अलावा और कुछ नहीं था, और अजीब बात ये थी कि कमरे के बीचों बीच एक छेद था। उस कमरे में लियो नाम का एक कैदी भी था, जिसने बताया कि यहाँ सैकड़ों मंजिलें हैं और हर मंजिल पर दो कैदी हैं। हर रोज इस छेद से खाना नीचे आता है और कैदियों के पास खाना खाने के लिए सिर्फ 2 मिनट होते हैं। इसके बाद ये खाना अगली मंजिल पर जाता है। हर महीने के अंत में कैदियों को अलग मंजिल पर भेजा जाता था। जब गोरेंग के कमरे में पहली बार खाने का टेबल आया तो उसने कुछ नहीं खाया, क्योंकि उसने निचली मंजिलों के लोगों के लिए खाना बचाने का फैसला किया। खैर, लियो ने फटाफट से खाना ठूसा और बचे हुए खाने पर थूक दिया, क्योंकि वो जानता था कि ऊपर की मंजिलों के लोग भी यही करते हैं। फिर गोरेंग ने अपने लिए एक सेब रख लिया, पर टेबल के नीचे जाते ही कमरे में गर्मी बढ़ने लगी। असल में खाने को अपने पास रखना मना था, इसीलिए गोरेंग को ये सेब फेंकना होगा, वरना वो यहीं जलकर मर जाएगा। तब गोरेंग को वो इंटरव्यू याद आया जो उसने इस जगह पर आने से पहले दिया था। उसने एक कागज पर दस्तखत किए थे जिसके मुताबिक वो अपनी मर्जी से यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। हर कैदी को जेल में कोई एक चीज लेकर जाने की इजाजत थी, और गोरेंग अपनी पसंदीदा किताब साथ लाया था। गोरेंग यहाँ अपनी मर्जी से आया था और 6 महीने पूरे होते ही उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। अगले दिन गोरेंग ने एक बार फिर से कुछ नहीं खाया। उसने लियो से उसकी कहानी पूछी तो लियो ने बताया कि एक दिन उसने टीवी पर एक अनोखे चाकू की एड देखी और तुरंत ही उसे खरीद भी लिया। पर कुछ ही दिनों में कंपनी ने उससे भी अच्छा चाकू निकाला, जिससे लियो को इतना गुस्सा आया कि उसने टीवी उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो एक राह चलते आदमी पर गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद लियो को वहां लाया गया और वो 132वीं मंजिल तक भी रह चुका है। पर उसने कहा कि यहाँ और भी मंजिलें हैं। निचली मंजिलों के कैदी अक्सर भूखे रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ तक खाना पहुँचता ही नहीं। अब गोरेंग ने सोचा कि अगर सब बराबर खाना खाएं तो नीचे के कैदियों तक भी राशन पहुँच सकता है। इसके लिए गोरेंग ने निचली मंजिल के लोगों से बात की, पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर लियो ने निचली मंजिल में पेशाब करके अपना चाकू दिखाया, जो वो जेल में अपने साथ ही लाया था। अगले दिन जब टेबल आया तो गोरेंग ने खाना खाया, पर अचानक ऊपर की मंजिल से एक आदमी नीचे आकर गिरा। लियो ने कहा कि ऐसा अक्सर होता है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता इस बारे में। लियो ने बताया कि वो अगले महीने भी एक साथ ही होंगे, और तब गोरेंग उसकी बातों से समझ गया कि जब लियो निचली मंजिल पर था तब वो भूख के चक्कर में अपने साथी को ही मारकर खा गया था। अगली बार जब टेबल आया तो उस पर मिहारू नाम की एक औरत बैठी थी। गोरेंग ने देखा कि वो जख्मी थी, पर लियो ने गोरेंग को उससे दूर रहने को कहा। मिहारू हर महीने एक बार टेबल पर बैठकर नीचे तक जाती थी, ताकि वो अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ सके। साथ ही वो कई कैदियों को भी मार डालती थी, ताकि अगले महीने उसे अपने बेटे के साथ रखा जाए। शायद पहले जो आदमी गिरा था उसे मिहारू ने ही मारा होगा। लियो ने बताया कि मैंने किसी को मारा नहीं, बल्कि जो लाश मेरे कमरे में गिरी मैंने सिर्फ उसका मांस खाया। इसके बाद जब मिहारू अगली मंजिल पर गई तो कैदियों ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। गोरेंग ने चिल्लाकर उन्हें रोकना चाहा, पर जल्द ही मिहारू ने उन्हें जान से मार डाला। आखिरकार महीना पूरा हुआ और सभी कमरों में गैस भरकर कैदियों को सुला दिया गया। जब गोरेंग की आंख खुली तो वो 171वीं मंजिल पर बिस्तर से बंधा हुआ था। लियो ने उसे इसलिए बांधा था क्योंकि गोरेंग जवान है और उसे गोरेंग से अपनी रक्षा करनी होगी। तभी बाकी मंजिलों से चिल्लाने की आवाजें आने लगी, क्योंकि सबकी मंजिलें बदल चुकी थी। जब गोरेंग के कमरे में टेबल पहुंचा तो खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा था। आखिरकार 8 दिन बाद लियो ने कहा कि देख भाई, बहुत भूख लगी है, अब कुछ तो खाना ही पड़ेगा। बेचारा गोरेंग रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन लियो ने अपने चाकू के इस्तेमाल से गोरेंग की टांग से मांस निकाला और उसे खाने लगा। पर तभी टेबल पर बैठकर मिहारू वहां आ गई। मिहारू को याद था कि गोरेंग ने उसकी मदद करने की कोशिश की थी, इसलिए मिहारू लियो पर कूद पड़ी और उसी के चाकू से उस पर हमला कर दिया। फिर उसने गोरेंग को आजाद करके चाकू दिया और गोरेंग ने एक ही झटके में लियो का काम तमाम कर दिया। इसके बाद गोरेंग बेहोश हो गया, और बाद में जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि मिहारू ने उसकी टांग पर चादर से पट्टी की थी और वो पास ही बैठकर लियो को खा रही थी। उसने थोड़ा बहुत मांस गोरेंग को भी खिलाया और फिर बिना कुछ कहे नीचे चली गई। कुछ दिन बाद लियो की लाश पर कीड़े आने लगे और गोरेंग उन्हें खाने लगा। भाई, इस मूवी ने मूड खराब कर दिया। खैर, जल्द ही उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी और उसे लियो का भूत दिखने लगा। आखिरकार महीना खत्म हुआ और कमरे में गैस फैल गई। अब की बार जब लियो की आंख खुली तो उसने देखा कि एक कुत्ता उसे चाट रहा था। गोरेंग ने देखा कि अब उसे इमो नाम की एक लड़की के साथ रहना होगा। इमो वही लड़की थी जिसने उसका इंटरव्यू लिया था।
वो अपने साथ अपना कुत्ता भी लाई थी और अब वो दोनों 33वीं मंजिल पर थे। वो लड़की थोड़ी सनकी सी थी और यहाँ पर अपनी मर्जी से आई थी। उसके मुताबिक यहाँ 200 मंजिलें थी, पर गोरांग ने कहा कि यहाँ होंगी लेकिन खाना तो सालों के पास 50 के लिए भी नहीं है। इस पर ईमो ने कहा कि सब अगर अपनी जरूरत के हिसाब से खाएं तो सबका पेट भर जाएगा, लेकिन इसके लिए सभी कैदियों को एकजुट होना होगा। पर गोरांग ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। बाद में जब खाना आया तो ईमो ने खुद और अपने कुत्ते को सिर्फ जरूरत के हिसाब से खिलाया। फिर उसने दो लोगों के लिए प्लेट तैयार की और जब खाना नीचे पहुंचा तो उसने नीचे वाले कैदियों से उसकी बनाई हुई प्लेट में से खाने को कहा और कहा कि भैया प्लीज अगले कैदियों के लिए प्लेट बना देना। खैर लाजमी सी बात है कि उसकी किसी ने नहीं सुनी और गोरांग ने फिर से कहा कि मैं ये सब करके देख चुका हूँ, कोई फायदा नहीं होने वाला। पर ईमो ने हार नहीं मानी और रोज लोगों को जरूरत के मुताबिक खाने को कहती रही। दो हफ्तों बाद गोरांग भी तंग आ गया और उसने नीचे वाले कैदियों से कहा कि आज अगर इस लड़की की बात नहीं मानी ना तो रोज तुम्हारे खाने पे मूत के भेजूंगा सालों। गोरांग की ये तरकीब कामयाब रही और कैदी यही संदेश आगे पहुंचाने लगे। कुछ समय बाद टेबल आया तो उस पर मिहारू बेहोश पड़ी थी। गोरांग और ईमो ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। शाम तक भी जब उसे होश नहीं आया तो बेचारा गोरांग खुद जमीन पर सो गया, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो दोनों लड़कियां लड़ रही थी क्योंकि मिहारू ईमो के कुत्ते को मारकर खा गई थी। खैर अगले दिन वो टेबल पर बैठकर चली गई। गोरांग ने ईमो को बताया कि मिहारू अपना खोया हुआ बच्चा ढूंढ रही है, पर ईमो ने कहा कि पागल वागल है क्या, 10 महीने पहले ये अकेली यहाँ पर आई थी। फिर बातों बातों में हमें पता चला कि ईमो को दरअसल कैंसर है। खैर जल्द ही महीने का आखिरी दिन आ गया और गोरांग ने उसे कुछ खाने को दिया क्योंकि हो सकता है कि कल कुछ भी नसीब ना हो पाए, लेकिन ईमो बिस्तर से ही नहीं उठी। अगली सुबह गोरांग उठा तो उसने देखा कि वो 202वीं मंजिल पर था और उनके नीचे न जाने कितनी और मंजिलें थी। ये देखकर ईमो खुद को संभाल नहीं पाई और उसकी मौत हो गई। तभी गोरांग को लियो का भूत दिखा और वो कहने लगा कि क्या गोरांग अब इस लड़की को भी खा जाएगा। अचानक से उसे ईमो और उसका कुत्ता भी दिखने लगे जो कह रहे थे कि उसे ईमो का मांस खाना चाहिए। गोरांग ने उनके झांसे में ना आने की पूरी कोशिश की। वो अपनी किताब के कुछ पन्ने फाड़कर खाने लगा ताकि उसे भूख ना लगे। फिर उसने कांच से दीवार पर लकीरें खींचकर दिन गिनने शुरू किए, पर जल्द ही भूख ने उसके दिमाग पर काबू कर लिया और वो ईमो का मांस काटकर खाने लगा। कुछ समय बाद कैदियों के कमरे बदले गए और इस बार गोरांग खुश था क्योंकि वो 6ठी मंजिल पर था। उस कमरे में मिहारू भी थी और उसने अचानक चाकू से गोरांग पर हमला कर दिया, लेकिन असल में ये सिर्फ एक सपना था। असल में गोरांग के कमरे में ब्रूनो नाम का एक आदमी था जो अपने साथ रस्सी लाया था। वो ये सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि रस्सी की मदद से बिल्डिंग के टॉप तक पहुंच जाएगा। जब उसने 5वीं मंजिल के लोगों से मदद मांगी तो उन्होंने ब्रूनो की रस्सी पकड़ ली, पर जब ब्रूनो ऊपर चढ़ रहा था तो ऊपर से एक कैदी ने ब्रूनो के मुंह पे टट्टी कर दी। अचानक ब्रूनो नीचे गिर पड़ा और ऐन वक्त पर गोरांग ने उसकी जान बचाई। इस सब के चक्कर में रस्सी भी नीचे गिर गई। कुछ समय बाद गोरांग को लियो और ईमो के भूत फिर से दिखाई देने लगे। लियो ने उसे कहा कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी क्योंकि अब सिर्फ एक ही महीना बाकी है, और ईमो ने उसे याद दिलाया कि कुछ भी अचानक नहीं बदलता। ये सब सुनकर गोरांग जोश में आ गया और ब्रूनो की मदद से एक प्लान बनाने का फैसला किया। प्लान के मुताबिक वो कोई भी हथियार लेकर खाने के टेबल पर कूदेंगे और नीचे जाकर सबको उतना ही खाना देंगे जिससे हर एक कैदी का पेट भर सके। गोरांग ने टेबल की स्पीड से हिसाब लगाया कि यहाँ 250 मंजिलें तो होंगी। ब्रूनो भी उसके साथ जुड़ गया और उन्होंने बेड तोड़कर लोहे के हथियार बनाए। फिर वो टेबल पर कूदे और 7वीं मंजिल पर पहुंचे। गोरांग ने कहा कि इन कैदियों को तो कुछ नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इन्होंने कल ही तो खाया था और कल फिर से भी खाएंगे, इसीलिए उन्हें 50वीं मंजिल से ही खाना बांटना शुरू करना होगा। धीरे धीरे वो नीचे बढ़ते रहे और किसी ने खाने को छुआ तक नहीं। कुछ मंजिलों बाद ब्रूनो को ब्रैम बैंग नाम का एक बूढ़ा आदमी मिला जिसकी वो बहुत इज्जत करता था। उसने कहा कि तुम दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आखिरी मंजिल के लोगों को खिलाओगे क्या? तब ब्रूनो और गोरांग ने पेनाकोटा नाम की एक लजीज चीज को चुना और सोचा कि अगर ये चीज आखिरी मंजिल तक पहुंच गई तो बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इसी तरह उन्होंने अपना मिशन जारी रखा और पेनाकोटा की रखवाली करते हुए आगे बढ़ने लगे। जब वो 50वीं मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने बराबर हिस्सों में खाना देना शुरू कर दिया और सभी लोग इससे काफी खुश हुए। जब वो 97th फ्लोर पर आए तो उन्हें एक बीमार बूढ़ा आदमी मिला। गोरांग ने उस बेचारे बूढ़े आदमी को थोड़ा सूप पिलाया। अगली मंजिल पर सिर्फ एक लाश थी और गोरांग तुरंत समझ गया कि ये मिहारू का कमरा है। टेबल वहां पर रुका ही नहीं क्योंकि वहां कोई जिंदा कैदी नहीं था। जल्द ही गोरांग समझ गया कि उसका हिसाब गलत है और यहाँ 250 से भी कहीं ज्यादा मंजिलें होंगी।
फिर उन्होंने अगली मंजिल पर देखा कि दो आदमी मिहारू पर हमला कर रहे थे। एक के हाथ में तलवार थी और दूसरा काफी हट्टा कट्टा था। इसीलिए जब गोरेंग और ब्रूनो उसे बचाने कूदे तो उनके लिए लड़ना बहुत मुश्किल हो गया। ब्रूनो ने पहले आदमी को मारा और फिर गोरेंग के साथ मिलकर पहलवान का भी काम तमाम कर दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मिहारू पहले ही मारी गई थी। गोरेंग उसके दुख में रोने लगा पर ब्रूनो ने उसे टेबल पर खींच लिया। इसके बाद वो हर मंजिल पर बराबर खाना बांटते रहे, हालांकि कई मंजिलों पर सिर्फ मरे हुए कैदियों की लाशें थी। आखिरकार टेबल 333वीं मंजिल पर आकर रुक गया और उन्हें लगा कि यही आखिरी मंजिल है। पहले तो उन्हें लगा कि यहाँ कोई नहीं रहता, पर असल में कोई बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था। ये कोई और नहीं बल्कि मोरो था। दरअसल वो ही मिहारू का खोया हुआ बच्चा था। ब्रूनो और गोरेंग उस लड़के की ओर बढ़े और जैसे ही वो टेबल से हटे तो वो फिर से नीचे जाने लगा। तब गोरेंग ने ब्रूनो से कहा कि पेनाकोटा को जल्दी से छेद में फेंक दे, पर ब्रूनो ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने खाना चुराया था पर फिर भी कमरा गर्म या ठंडा नहीं हुआ। आखिरकार काफी हिचकिचाहट के बाद ब्रूनो ने मोरो को खाना दिया। वो तीनों इसी मंजिल पर रुक गए और गोरेंग को लियो, इमो और अब मिहारू का भूत भी मिलकर सताने लगे। अचानक ब्रूनो भी इन भूतों के साथ मिल गया और कहने लगा कि ये बच्चा एक संदेश है। तभी गोरेंग उठा और उसने देखा कि ज्यादा खून बहने की वजह से ब्रूनो की मौत हो गई थी। फिर जब अगली बार टेबल आया तो गोरेंग मोरो के साथ उस पर चढ़ गया और इसी तरह चलते चलते वो आखिरी मंजिल तक पहुंच गए जहां अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं था। आखिरकार गोरेंग को लियो दिखा जो कह रहा था कि तुम टेबल से उतर जाओ क्योंकि तुम संदेश का हिस्सा नहीं हो, और आखिरकार वो दोनों मिलकर टेबल को देखने लगे जो मोरो के साथ फिर से ऊपर जा रहा था। उन्होंने उम्मीद की कि शायद मोरो को देखकर ऊपर वाले कैदी नीचे की हालत समझ सकेंगे और हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि सभी कैदी एक दूसरे के बारे में सोचते हुए मिल बांट कर खाने लगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।